गाइज वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आ गया हूं एक और वायरल वीडियो की रियलिटी को लेकर। जी हां दोस्तों, यहां पे आप इन मोहतरमा को देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है ये कौन है तो मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों एक टिकटॉकर हैं जिनके 27 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर टिकटॉक पे कंप्लीट हो गए हैं। अब गाइज मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, कोई भी दोस्तों सुर्खियों में तब आता है, कोई अगर जीरो से डायरेक्ट हीरो बन जाए तब सुर्खियों में आता है, या फिर दोस्तों हीरो से डायरेक्ट जीरो बन जाए तब सुर्खियों में आता है, या फिर कोई कांड हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो इनके साथ भी एक कांड हो गया है। गाइज इनका एक 15 से 20 सेकंड का एक क्लिप टिकटॉक और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। दोस्तों उस क्लिप, उस वीडियो को मैं यहाँ पे स्क्रीन पर नहीं प्ले कर पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों वो नेक्स्ट लेवल का वीडियो है, आप समझ सकते हैं। गाइज स्क्रीन पे आप कुछ स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। गाइज ये स्क्रीनशॉट उन्हीं वीडियोज के हैं। गाइज ये वीडियो टिकटॉक और तमाम सोशल मीडिया पे आग लगा के रखा था, काफ़ी तेज़ी से ये वीडियो वायरल हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो एक्चुअल में वायरल उन्हीं के प्लेटफॉर्म से हुआ। जी हाँ गाइज, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, निशा गुरगेन जी ने दोस्तों इस वीडियो को गलती से अपने स्नैपचैट की स्टोरी में दोस्तों उन्होंने पोस्ट कर दिया था। जी हाँ गाइज, 2 घंटे से ऊपर ये वीडियो उनके स्नैपचैट के स्टोरी में पड़ा था, वहाँ से काफ़ी लोगों ने डाउनलोड करके टिकटॉक और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया। बाद में दोस्तों निशा गुरगेन को जब पता चला कि मैंने गलती से कोई और वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उस वीडियो को उन्होंने डिलीट कर दिया और दोस्तों डायरेक्ट वो इंस्टाग्राम पे लाइव आ गई। वहाँ पे दोस्तों उन्होंने कुछ इस तरह की बात की कि ये वीडियो मेरा नहीं है, इस वीडियो के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, पता नहीं किसने इस वीडियो को बना के या फिर फेस एडिटिंग करके अपलोड कर दिया है। बॉयफ्रेंड है ना पागल, 100-200 होंगे कम से कम, लड़का और दोस्त, लड़के दोस्त भी बहुत कम है, मतलब गिनती के बहुत कम लोग, भाई ज्यादा है, भाई है। दोस्तों इस पूरे कांड के दौरान एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों निशा गुरगेन ने साइबर क्राइम में FIR दर्ज करा दिया कि जो भी इस वीडियो को वायरल कर रहा है, फैला रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब दोस्तों आपको पता होगा, पुलिस या फिर साइबर क्राइम वाले जब भी किसी चीज़ की छानबीन करते हैं, सर्च करते हैं, तो दोस्तों वो जीरो से शुरू करते हैं। यानी दोस्तों ये कांड कहाँ से शुरू हुआ था। अब गाइस जैसे ही उन्होंने सर्च किया तो उनको पता चला कि स्नैपचैट की स्टोरी से इनका वीडियो वायरल हुआ था, तो यहाँ पर निशा गुरगेन को स्टेटमेंट देना पड़ा कि मैं और इस वीडियो के अंदर जो लड़का है, ये दोनों जो कुछ भी कर रहे हैं ये हमारी मर्जी से हुआ है। और दोस्तों निशा गुरगेन फिर से लाइव आई और इस लाइव में उन्होंने स्वीकार किया, वीडियो के अंदर दोस्तों जो कुछ हो रहा है या जो वायरल हो रहा है वो मैं ही हूँ, बस सबसे रिक्वेस्ट की कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं इस वीडियो को बच्चे भी देख रहे हैं। गाइज इस वीडियो में मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं ये सारी बात निशा गुरगेन लाइव में आके खुद कहा है। अगर आप लाइव वाला वीडियो देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। गाइज ये थी रियलिटी इस वायरल वीडियो की। इस वायरल वीडियो में दोस्तों जो लड़का था उस लड़के का भी पता चल गया है, जिसका नाम दोस्तों रमजान कुत्ते या फिर रमजान कुत्ती है। गाइज उसका फेसबुक ID यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपके पास ऐसा वीडियो आता है या फिर यही वीडियो आता है तो इस वीडियो को दोस्तों आप आगे फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि गाइज इससे किसी लड़की की यार ज़िंदगी का सवाल है, किसी की इज्जत का सवाल है। दोस्तों देखिए गलती सभी से होता है यार, कोई भी गलती कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, तो यार किसी की गलती को इतना हाईलाइट मत कर दो दोस्तों कि वो किसी से नज़रें ना मिला सके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।